हेलो एवरीवन, आज हम मैथ में भी यूनिट 3 के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। यहाँ पर प्रश्न एक है, एक वर्ष के कैलेंडर में 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं? तो 31 दिन वाले कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, यानी कि 7 महीने 31 दिन वाले होते हैं। तो विकल्प घ है हमारा सही उत्तर है। उसके बाद है प्रश्न 2, एक साल में कितने 30 दिन वाले महीने होते हैं? 30 दिन वाले कौन कौन से महीने होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो हमारा जो विकल्प क है, 4 सही उत्तर है। 4 महीने 30 दिन वाले होते हैं। स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? तो स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं, तो किस महीने में आया? विकल्प ख अगस्त में। कहाँ पर आया? अगस्त में। उसके बाद है प्रश्न 4, गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, यानी कि जनवरी के महीने में। विकल्प का हमारा सही उत्तर है। उसके बाद है लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। फिर है प्रश्न 6, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52। उसके बाद है प्रश्न 7, लीप वर्ष के कौन से महीने में दिनों की संख्या 29 होती है? तो 29 कौन से महीने में होती है? तो हमारा विकल्प ख फरवरी सही उत्तर है। फरवरी में 29 दिन होते हैं। प्रश्न 8 है, 24 घंटों या एक दिन में घड़ी की सुई कितने चक्कर लगाती है? कितने चक्कर लगाती है? अगर सुई 12 से लेकर वापस 12 तक आती है, तो यानी कि उसमें 12 घंटे हुए, है ना? तो 24 घंटे में वो कितने चक्कर लगाएगी? 2 बार। तो हमारा विकल्प ख सही उत्तर है। 24 घंटों की सुई एक दिन में कितने चक्कर लगाती है? 2 बार। फिर है प्रश्न 9, पूर्वाहन के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द होगा? पूर्वाहन, पूर्वाहन के लिए हमें पूर्वाहन यानी कि दोपहर पूर्व से का समय, तो पूर्वाहन के लिए हम लिखते हैं AM। क्या लिखते हैं? AM। उसके बाद है प्रश्न 10, अपराहन के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द उपयोग किया जाता है? यानी कि दोपहर बाद का जो समय होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? PM। विकल्प घ हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 11 है, मध्यरात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? तो जो आधी रात से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय होता है वो हमारा क्या होता है? पूर्वाहन। क्या कहते हैं उसको? पूर्वाहन। और दोपहर 12 बजे से मध्यरात्रि 12 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? अपराहन। क्या कहते हैं? अपराहन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, प्रातः 5 बजे को क्या कहेंगे? प्रातः 5 बजे को हम कहेंगे 5 बजे पूर्वाहन। क्या कहेंगे? 5 बजे पूर्वाहन। साय 5 बजे को क्या कहेंगे? साय 5 बजे को कहेंगे हम 5 बजे अपराहन। 5 बजे को क्या शाम 5 बजे को क्या कहेंगे? 5 बजे अपराहन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपने ऐसा काम बताना है जिसमें ज़्यादा समय लगता है। जूतों के फीते बांधना, जुराबे डालना, हाथ धोना या नहाना। तो इसका सही उत्तर होगा नहाना, क्योंकि इन सारे कामों में सबसे ज़्यादा समय किस में लगता है? नहाने में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, किस काम को करने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है? तो सब्जी काटने में, पेड़ पर चढ़ने में, मम्मी को खाना बनाने में, अपने दोस्त का नाम बोलने में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है?
मम्मी को खाना बनाने में 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता है। तो ये आज हमारी यूनिट 3 के छोटे प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए हैं।